Assalamualaikum, this is Sonia Lodi. And Assalamualaikum, this is Sanaya Khan. हम दोनों की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से और Life HD की जानिब से सभी लोगों को दिली ईद मुबारक. और ईद मुबारक. ईद मुबारक तुम्हें भी. और वो लोग जो हमें पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, हमारे चाहने वाले, हमारे व्यूअर्स, उन सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. बिल्कुल, सनाया को, सनाया की खाला को, उनकी फुप्पो को, कैमरामैन साहब को, उनकी फुप्पो को, उनकी खाला को, और जितने लोग देख रहे हैं, उनकी खालाएं, फुप्पे, ससुराल वाले, जितने लोग देख रहे हैं हमें, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. और कोई रह तो नहीं गया भाई? नहीं जी, सोच लीजिए, कोई नाराज तो नहीं है ना भाई? अच्छा मुझे ये बताइए जनाब के तैयारी तो माशाल्लाह बड़ी जोर शोर से की हुई आपने, क्या सारी रात जाग के तैयारी करती रही है यहाँ आने के लिए? वैसे सोनिया तुम भी कुछ कम नहीं लग रही. ओ थैंक यू, बस मैं यही तो चाह रही थी कि आप ये बोले, इसीलिए मैंने तमाम जुमले अदा किए. थैंक यू. नहीं माशाल्लाह तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, एज एवर तुम हमेशा स्क्रीन पे बहुत प्यारी लग रही हो. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं देखती हूँ ना तुम्हें हर रोज, तो मुझे बहुत खुशी होती है. बहुत बहुत शुक्रिया. अभी तुम मुझसे मेरी आवाज के बारे में पूछने वाली थी. हाँ बिल्कुल, पूछने वाली हूँ की आवाज को क्या हुआ. हाँ वो असल में पूरी चांद रात मैंने खुशियों में गुजारी, चूड़ियों में भाग दौड़ के चीखे मारते हुए गुजारी है, इसलिए थोड़ी सी आवाज जो है वो तबीयत नासाज हो गई है. तो काम चला लीजिएगा. नहीं नहीं, वैसे मैं समझ रही थी अभी सोनिया की आवाज कहीं बकरे वाली ना निकल रही हो. खुदा का शुक्र है वो नहीं हुआ सीन, वरना अदरवाइज हो भी सकता था. बिल्कुल हो सकता था. वैसे यू नो हमारा जो ये चार गपशप का जो फॉर्मेट है, तुम तो वाकिफ ही होगी, काफी बार आ चुकी है सनाया शो में हमारे. सो इस बार ईद की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसमें हमने अपने साथ साथ और मजीद खूबसूरत गेस्ट भी बुलाए हैं. सो मेरे ख्याल से विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं. बिल्कुल. राइट, सो आज की हमारी जो ब्यूटी क्वीन मौजूद हैं वो मॉर्निंग शो होस्ट हैं, स्टेट के चैनल के साथ एसोसिएटेड हैं, एक्ट्रेस भी हैं, थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी की है, एंटरप्रेन्योर भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है. मेरे ख्याल से हम सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे उनके प्रोफाइल के बारे में जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम सबीन फारूक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. पहले तो ईद मुबारक. ईद मुबारक देखने वालों को. ईद मुबारक. मुझे तो इतना इंट्रोडक्शन लंबा, मैंने कहा ऐसी इज्जत ईद के दिन. ऐसी इज्जत मतलब नहीं मिलती आपको यूजुअली. हमें बेसिकली आदत होती है ना इंट्रोड्यूस करवाने की और इज्जत देने की, अच्छा ये प्रोफाइल बताने की. तो वो जब कभी कभार साल में एक दफा आपको बताया जा रहा होता है तो देन यू नो थोड़ा सा आपको हम बुलाते रहेंगे अपने शो में ताकि आप यूज टू करेंगे. यही चाहती है सोनिया, वो यही चाहती है उसको बुलाया जाए. चाहत को नजरअंदाज नहीं करना, समझ गई. बिल्कुल. गेस्ट कौन है हमारी आज? दूसरी हमारी गेस्ट जो है वो तो इंतहाई खूबसूरत, और वो खाने, वो जो आप लोग स्क्रीन पे देखते हैं ना हर कमर्शियल में जो तड़का लग रहा होता है दाल को, और जो आप लोग मुर्ग पुलाव शामी सब कुछ देखते हैं ना, वो फूड ब्लॉगर है और उनका नाम है इमान मलिक. ओ अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक. कैसी हैं आप इमान? अल्लाह का शुक्र. आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? A1 सुपर गुजर रही है, अभी आप लोगों के साथ साथ गुजर रही है. नहीं वो तो ये है ना, लेकिन सुबह भी तो कुछ गुजरी होगी ना. सुबह भी बहुत कुछ गुजरी है, क्या बताएं आपको, किचन में गुजरी आधी से ज्यादा, और फिर शाम को हम यहाँ आ गए हैं. आज जो गुजरी है ना वो दुम्बे बकरे गाय ऊँट उन पे गुजरी है. हम लोगों पे तो अच्छी गुजर गई है. बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन ये भी देखो ना, ये तो ईद का पैगाम है एक्चुअली. ये जो कुर्बानी की ईद है ये मोहब्बत की ईद है बेसिकली. आपने अल्लाह की राह में मोहब्बत में कुर्बानी की, तो ये तो एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए. और ये कि मेरा ख्याल है ये एक ट्रेडिशन है जो चलता रहना चाहिए, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है. और सबसे ज्यादा तो बच्चे उससे, क्योंकि ईद से पहले की जो तैयारियाँ होती है ना बकरा ईद की, वो बहुत अच्छी होती है कि इतने प्यार से आप जानवर को लेकर आते हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा एफिलिएशन भी हो जाती है. बट देन इस ईद का जज्बा ही ये है कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ बेसिकली आप वो कुर्बान कर रहे होते हैं, तो ये एक जज्बा है जिसको लेकर हम सब चल रहे होते हैं. लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इस ईद पर ना एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब लगता है, वो ये कि लोग कहते हैं बड़ी ईद की कोई चांद रात नहीं होती. आप लोगों ने चांद रात मनाई? कहते छोटी ईद की चांद रात होती है, बड़ी चांद रात तो चांद रात होती है चाहे बड़ी हो या छोटी. बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो मनाना लाजमी होता है, उसको मनाना लाजमी होता है. अदरवाइज लेकिन वो मौका ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि अगले दिन इन जानवरों ने जिबा हो जाना है, कुर्बानी उनकी होगी, तो हमारे दिल जो होते हैं ना बड़े, एक तो होते हैं नरम से हो जाते हैं उनको देख देख कर भी. तो तुम देखती हो कुर्बानी कभी? हाँ मैं देखती हूँ. मैं बचपन से बहुत शौकीन हूँ गाय बकरों की, मुझे बड़ा प्यार है. और बल्कि मैं जब छोटी सी थी, जब यू नो वो मामू और आपके जो बड़े उस वक्त वो लोग होते हैं, तो मैं उनके साथ जाया करती थी बकरा मंडी. गाय लेने जा रहे हैं तो चिपक के जाते हैं ना बच्चे मामू के साथ और उनके साथ भाइयों के साथ, तो मैं तो
आगे आगे होती थी और नारे वो जो लगते थे ना गाय आई गाय, वो नारों में भी जो है ना वो माशाल्लाह से मैं हमेशा आगे आगे रही हूँ। आपने कभी नारे लगाए ऐसे गाय आई बकरा आया? बकरा मंडी नहीं की, बिकॉज मैं बहुत डरती हूँ इन चीजों से। अच्छा, इन चीजों से मतलब ये बकरे गायों से जानवरों से? तो मेरे घर में तो जब आते हैं तो वो 3 दिन और उसके बाद के भी जो दिन होते हैं मेरे कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। मुझे होता है कि मैंने नहीं देखना, बिकॉज मैं देख नहीं सकती। अच्छा, जो कुर्बानी होती है वो मैं नहीं देख सकती। अच्छा, अदरवाइज गाय बकरों में इंटरेस्ट मतलब है आपको? दूर दूर से दूर करना या टहलाना कभी नहीं किया? बहुत आता है मुझे, मेरा दिल करता है मैं उन्हें खोल दूं कहीं चले जाएं, लेकिन ये है कि मैं दूर दूर से देख लेती हूं, तो मैं उनको देख लेती हूं, लेकिन ये कि जब वो ज़िबा वगैरह हो जाए या सारा कुछ, या मुझे इस तरह की कोई फैंटेसी नहीं है कि मैंने बकरा मंडी जाना है या मैंने जानवरों को देखना है, उस तरह की फैंटेसी ना मैंने कभी पाली ना कभी की। सिर्फ बेचारों को रोस्ट करती हूँ नहीं वो पता है सोनिया, वो जब वो कसाब चले जाते हैं ना और उनकी वो जो सिरी रह जाती है उसको देखती रहती हूँ? नहीं, मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तक का जो वो मरहला होता है वो होता है ना औरतों का कि वो चीजें आ रही हैं, गोश्त बन रहा है, उसके बाद घर में रह जाती हैं सबसे आखिर। नहीं, हमारे यहाँ वो भाई वगैरह सारे कुछ आखिर का वॉश करना बाकी की जगहों के, हमारे यहाँ सब हम लोग खुद कुर्बानी करते हैं। अच्छा, मेरे भाई और सब लोग मिलकर वो लोग, हम लोग बचपन से ही सब लोग, मैं देखती आ रही हूँ कि ये जरा ज्यादा मजेदार होता है, हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है कुर्बानी में। वो जो छुरियाँ वो तेज करवाने वाला अमल 5 दिन पहले से शुरू हो जाता है। भाई हम लोग फुल ट्रेडिशनल लोग हैं, फुल टाइम हर चीज को एंजॉय करते हैं। एक एक चीज टाइम ना मैं भी अपना दुम्बा तुम्हारे घर ले आऊंगी। हाँ, हम चार्ज भी करेंगे ये भी बता दें, हम फ्री में नहीं काटेंगे। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो आप व्लॉगिंग श्लॉगिंग करती हैं फूड की सारा साल तो होती है, तो ईद पे कोई स्पेशल कोई बारबेक्यू की व्लॉगिंग श्लॉगिंग हो रही होती है कि नहीं? बहुत ज्यादा हो रही होती है, और जो कुछ मेरे घर में पक रहा होता है मैं हर चीज़ की रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ। लाइक लास्ट टाइम मैंने अपने घर के जो ट्रेडिशनल कलेजी बनाने की रेसिपी थी, खाई मैंने कभी नहीं है, लेकिन जो जो रेसिपी थी मैंने A to Z रिकॉर्ड की, एंड देन मैंने अपने ऑडियंस के साथ शेयर भी किया और उनको अच्छी लगी, तो उसके बाद मैंने टेस्ट करने की हिम्मत थी कि चलो सबने अप्रिशिएट किया तो मैं भी टेस्ट करूँ कि कैसी बनी है। मतलब हमारे घर में फूड सीन बहुत ज़्यादा है, सुबह से शाम तक मतलब बहुत खाने का सीन होता है, इसीलिए आपने कहा फूड ब्लॉगर ही बन जाओ। अपना एड्रेस बताना, मैं आऊँगी। नहीं, आप ज़रूर आए, हम दिल की गहराइयों से आपको इनवाइट करते हैं। आई लव फूड, मुझे हमें नजर आ रहे थे। जी जी बिल्कुल। वैसे तुम खुद क्या बनाती हो ईद पर? मैं उल्लू। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी, ऑनेस्टली ऑडियंस मैं यही एक्सपेक्टेशंस रखती थी कि ये यही जवाब देने वाली, बट सीरियसली कुछ बनाती हूँ? नहीं, सच्ची से मैं जो हूँ मैं बनाती हूँ यार, क्यों नहीं बनाती उल्लू बनाने के अलावा? नहीं, मैं जो हूँ ना मैं कोयले जो होते हैं ना वो उसको आग पे गर्म करती हूँ और उसको मंकर के अंदर रखती हूँ और बस इतना ही करती हूँ, बाकी उसके अलावा पानी उबालती हूँ। हाँ, पानी उबालती हूँ, कहवा बनाती हूँ। गलत इंसान से सवाल वापस कर, यही सवाल आगे मैंने पास कर लिया। और गलत इंसान से मजीद गलत इंसान, बस मेरे ख्याल से हम दोनों ही यहाँ ठीक बैठे खाने पीने की बात के लिए। भाई कौन से गेस्ट हो, किसको को-होस्ट बना दिया आपने यहाँ पे? खाने पीने वाले लोगों को बनाना चाहिए। आई लव फूड, आई लव टू ईट। देखो आई लव टू ईट, वो नजर आ रहे, देखो की जरूरत है। ओह माय गॉड, मेरे फर्रे नजर आ रहे, नजर सवाल तो नहीं पड़े किसी ने? नहीं, नहीं। अच्छा, वैसे चांद रात से शुरू करते हैं। बिल्कुल, कि हम जरा पास करते हैं, हम सब जानते हैं ये जो प्रोग्राम है ये चार सहेलियों का बेसिकली फॉर्मेट है कि जो चार सहेलियां चाय पर बैठी हैं तो क्या गपशप करें। तो हाँ सहेली, तुम बताओ तुमने चांद रात कैसी गुजारी? मेरी चांद रात माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है और मैं सारी रात दुम्बो को देखती रहती हूँ। और पता है हमारे घर में एक ट्रेंड होता था कि वो हम उन्हें रात को नहलाते थे चांद रात को। जी जी, अच्छा, हम भी उन्हें साफ सुथरा करके ना, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट डे इन्होंने कुर्बान हो जाना है, तो वो एक इतना जज्बा होता है उनको देखते हैं, दिल भी खफा होता है और ज्यादा उन्हें घास दे रहे होते हैं और भी खा लो। अच्छा, शॉपिंग वगैरह के क्या हालात होते हैं? शॉपिंग तो पहले हो जाती है, पहले हो जाती है। बिल्कुल, चांद रात को नो शॉपिंग इस वाली ईद? नहीं, इस ईद पे नहीं। अच्छा, और आपके क्या सूरत हाल होती है? अच्छा, मुझे वही मसला मेरा तो हमेशा से रहता है, मेरे घर वाले भी इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, बताएंगे कि मेरी कोई ना कोई चीज़ रहती होती है इन टाइम पे, और वो मैं चांद रात पे ही मुझे जाना होता है। छोटी ईद है, बड़ी ईद है, दुपट्टा रह गया, चूड़ियाँ रह गई, मैचिंग की कुछ ना कुछ चीज़, मैचिंग की कोई ना कोई चीज़, और वो मिल नहीं रही होती। तो हर चांद रात पे वो कॉल मेरी मम्मा के
कि तुमने सिर्फ शोर मचाना होता है कि सुबह क्या होगा क्या नहीं होगा, तुमने अभी ये भी छोड़ दिया। और उससे पहले जितने भी दिन होंगे मुझे कहा जा रहा होगा कि अच्छा तुम जाओ शॉपिंग कर लो, ये चीज़ पूरी कर लो, वो चीज़ पूरी कर लो, और मुझे कोई होश नहीं होता उस टाइम पर, कहते अच्छा हो जाएगा हो जाएगा। बस पता नहीं क्या शायद वो कुछ इंटेंशनली भी कुछ हो जाता है, कोई ना कोई खानदान में एक बच्ची ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी होती है। तो आपकी क्या मसरूफियत होती है? मैं चांद रात पे बाहर जाती हूँ, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो मैंने जाना होता है। मेरा होता है कि वो फुल नाइट जो हम बाहर स्पेंड करें, शॉपिंग वॉपिंग करें, खाना पीना करके आए अपना। और मैं बड़ी उस तरीके से सोफिस्टिकेटेड हूँ, और थोड़ी सी कह लें कि मैं मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मुझे पता होता है मुझे क्या चीज़ चाहिए तो मैं वो चीज़ ले आती हूँ। और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई चीज़ रहती हो। लेकिन लेकिन इमान ये तो इस किस्म की ईद होती है, बाहर निकलती हैं आपको तो जैसे जानवरों से डर भी लगता है, और वो गाय बकरा बैल आप देखती हैं, आप कैसे गुजरती हैं? पैदल थोड़ी जाती हूँ, गाड़ी में जाती हूँ ना, गाड़ी में जाके मॉल पर उतर गई हो? नहीं, गाड़ी में जाके मॉल में उतर गई, बस मॉल से शॉपिंग। हाँ हाँ, मॉल से बाहर नहीं, रश वाली जगह पे नहीं, रश वाली जगह पे नहीं। मुझे देखते वैसे मुझे लोगों में उस तरह ना वो बहुत ज्यादा रश और समझ ना आ रही हो, उसमें मेरी अपनी चॉइस भी कहीं ना खो जाती है। तो मुझे होता है मुझे और मुझे डेफिनेट पता होता है मैंने कहाँ जाना और मैंने कहाँ से क्या चीज़ उठानी है। तो मैं वो ज़्यादा फिरती नहीं हूँ उस तरीके से। तो फिर मैं और जाहिर बात है कि जब टाइम आपको पता होता है, मेरा बड़ा कैलकुलेटेड टाइम होता है, उस हिसाब से मेरा मेरी चांद रात बहुत अच्छी गुजरती है। चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे यूजुअली ये जो बकरे आते हैं घर में, गाय आती है, तो हमारा तो कॉन्सेप्ट जो अगर रिलीजियसली इसको देखा जाए तो ये ना कि आप उसको थोड़ा सा पालें, खिलाएं, पिलाएं, तैयार करें, फिर आप उसको कुर्बान करें, ये एक्चुअली कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अदरवाइज भी ना जानवरों से अटैचमेंट हो जाती है। बिल्कुल। तो कभी ऐसे अटैचमेंट हुई है किसी अपने जानवर से कि भाई इसको अभी जिबा नहीं करते, दूसरे दिन कर देते हैं? एक होता ना बच्चों में जिद भी आ जाती है, मैंने अक्सर देखा भी है। तो कभी कुछ ऐसा सीन हुआ है कि नहीं आज कुर्बानी कर रहने देते, कल या थोड़ी देर दो घंटे बाद कर देते हैं? हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। लाइक लाइफ में शायद एक दफ़ा हुआ था, वो बहुत वाइट सा कजरे जो होते हैं, जो छोटी हाइट के जानवर होते हैं, बड़े लंबे लंबे कानों वाले, वो अबू लेके आए रात को। और मतलब हमारे घर में कोई भी ना उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं होता, और भाई होते हैं जो उसको संभालते हैं। तो मेरा ये होता है कि आप बस एक रात पहले जानवर जो है घर लेके आओ। तो बुजारी बात है वो मैं देख भी नहीं सकती, जब वो लाए तो वो उसको देखती लव एट फर्स्ट साइड वाला सीन हुआ। तो मैंने कहा हमारी इस दफा कुर्बानी ना थर्ड डे होगी, हमने इस दफा नहीं करनी है। तो वो और मेरे अबू जो थे वो मतलब इस चीज को बहुत करते थे कि पहले दिन कुर्बानी हो जाए। कर दिया था उसको, अगर वो समझ सकता तो शायद मैं कर भी देती, लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी थी तो मुझे अदरवाइज लंबा होता तो ये जरूर कर देती प्रपोज। जब आप भी आना था ना पीछे से, वो कहते मैं हूँ ना, तो मतलब उसके साथ हुआ था। बाकी तो ये जो ब्राउन ब्लैक तरह के होते हैं वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करते, और लेकिन वो जो प्यारे प्यारे वाले होते हैं, आंखें भी प्यारी प्यारी होती हैं, तो वो चीज़ मुझे उसके साथ हुआ था, लेकिन ये वैसे अटैचमेंट नहीं हुआ। अच्छा, आप भी बताएं कुछ कोई अटैचमेंट? थोड़े सोनिया पुरानी बातें हो पुरानी बचपन में रोया करती थी। मुझे लगता है जब मैं बहुत सेंसिटिव होती थी ना कि मुझे अटैचमेंट हो जाती थी चीज़ों से कि अच्छा चीज़ दूर हो गई मुझसे कुछ। अब पता नहीं ऐसा कुछ हो गया, पता नहीं लोग इसको बहुत गलत ना समझे, कुछ भी आपको प्यारा लगता है जानवर डेफिनेटली, बट मुझे उस तरह से अटैचमेंट नहीं होती। बड़े हो गए ना, मकसद समझ आ चुका है कुर्बानी का। हाँ, जो मुझे लगता है कि पहले उस तरह वो मकसद आप नहीं समझ पाते थे बचपन में छोटे होते हुए, सिर्फ जानवर देखा और फिर अगले दिन का एक आपके माइंड में आ रहा है कि जनाब इसको कुर्बान हो जाएगा। अब शायद वो मकसद कुर्बानी का मकसद जब समझ आ चुका है तो मेरे अंदर बड़ा हौसला आ चुका है। सो अब मैं देख भी सकती हूँ सब्र तहमुल के साथ। एग्जैक्टली, अब मुझे लगता है अब शायद ये मैच्योरिटी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, शायद ये प्रैक्टिकल हो जाता है ना, आपका एक्सपोजर हो जाता है। सही बात है। सुनाए हमारे तो बहुत सारे सवाल और बाकी हैं बिल्कुल ऑब्वियसली, लेकिन हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यही से गपशप का आगाज करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। बैक, जिन लोगों ने अभी अपने टीवी स्विच ऑन किए हैं उन सबको मेरी तरफ से और सोनिया की तरफ से और लाइव एचडी की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। सो इमान, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप मुझे बताएं कोई ऐसा इवेंट जो इस बकरा ईद से रिलेटेड हो जो आपको कभी ना भूलता हो। एज एन इवेंट नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट है कि हमारे घर में बैल आया और वी लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर ना, हमारा सेकेंड फ्लोर पे पोर्शन है,
तो नीचे कुर्बानी होगी, तो वो नीचे ताया का सब ज़िबा हो चुका था, हमारा बैल रहता था, तो माय मदर वाज रिलक्टेंट कि बैल ऊपर ला के ज़िबा करो तो मतलब हम उनको समझा नहीं पा रहे थे कि बैल ऊपर नहीं आ सकता सही। तो मतलब वो एक चीज़ है जो मुझे कभी नहीं भूलती, और उसके बाद हमने कभी भी बैल नहीं खरीदा। बैल ऊपर आया था? नहीं आया, काट के लाए थे लेकिन वो रिलक्टेंट थे कि उसको ऊपर ला के ज़िबा करो ना। मैंने कहा ऊपर नहीं, हम कह रहे हैं उनको नहीं आ सकता। मुझे बताया कि नीचे बहुत गंद ऑलरेडी हो गया है ना, तो जब तक वो साफ होगा तो और डिले हो जाएगा सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको था कि बस जल्दी जल्दी खत्म हो और हम तैयार तो हो ना, मतलब ईद तो स्टार्ट करें। मैं समझी थी आप लोगों ने रस्सा डाल के उसको ऊपर। नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता था, वो बहुत बड़ा था, मतलब मेरे से भी ऊंचा था तो वो नहीं आ सकता था। इस बार मुझसे भी पूछो। हां बिल्कुल, मैं आई वाज अबाउट टू से दिस। हां, और सोनिया आप बताएं, आपका कोई ऐसा इवेंट जो आपको ना भुला हो? क्या क्या इवेंट्स बताएं आपको? बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, क्योंकि सिंस मैं खुद बकरा लवर रह चुकी हूँ, स्टिल हूँ, अभी भी बकरे देख के मेरे गर्दन घूम जाती है कि रहीम यार खान का है ये, फलानी जगह का, यू नो जो खास बकरे होते हैं। इतनी पहचान हो गई तुम्हें? ओह यस बिल्कुल। सो क्या हुआ कि मैं बहुत छोटी नहीं थी, मतलब मैं समझदार थी कि क्या सही है और क्या गलत, तो बकरे की रस्सी मैंने इंटेंशनली खोल दी कि वो भागे, और सारे के सारे जो मेरे भाई हैं जो मुझे दिन रात कह रहे हैं इसको घास डालो, वो नहीं होते बड़े भाई, घास डाल के आओ, चारा डाल के आओ, अभी इसके पीछे भागेंगे सबके सब। मैंने इसकी रस्सी खोल दी, वो भी इंतजार में था ना बेचारा बंधा हुआ, वो भी भागा, और मैंने आके आराम से बताया, वो भाग गया बकरा और सब भागे उसके पीछे, और मैं आराम से खड़े होकर मैंने अपना पूरा बदला ले लिया था। लेकिन मैं इस गीत पे ये करूंगी कि मैं रस्सी खोल दूंगी, मैं देखूंगी रिएक्शन क्या होता है। ओह बड़े चलाक होते हैं बकरे भाई, वो फौरन से भाग जाते हैं। लेकिन सवाल बाद में है कि फिर आपके पीछे कौन कौन भागा? किसी को नहीं पता चला, मैं ये बात मैं आज ऑन एयर बता रही हूँ। वो रस्सी आज खुल गया है राज के, वो जो भागा था वो जुबान खुल गई है जी, कि वो मेरी ही वजह से भागा था, खोली वो भगाया गया था। आपकी ईद बहुत ही ज्यादा यादगार होने वाली है। और दूसरी चीज ये कि जो गाय आती है ना, तो मेरा प्यार होता है गाय से, ना खास लगाव होता है, मुझे बहुत क्यूट और मासूम सी मालूम होती है। तो इसी तरह से वो जो चारा वगैरह बनता है ना, तो वो कहते थे बस इतना डालना है, कोई लिमिटेड होता है ना कि भाई इतना डालना है, अदरवाइज उनका पेट खराब हो जाएगा या एक्स वाई जेड। मगर मैं मोहब्बत में भर भर के उन्हें खिलाती थी और मैंने बड़े पेट खराब कर डाले। अच्छा ये पेट खराब कर दी थी। और मैं जो हूँ ना, हमारे घर में ऐसा वो होता था कि उसे गुड़ खिलाओ तो वो आपका दोस्त बन जाता है कोई जानवर। हाँ, तो हम तो गुड़ ढूंढ ढूंढ के उसको खिलाते रहते थे और हम उनका पेट इस तरह खराब करते थे। वो हमें मोहब्बत में इवन आप ड्राई फ्रूट्स भी खिलाएं तो वो आपके दोस्त बन जाते हैं, ड्राई फ्रूट से भी बन जाते हैं। ये फूड ब्लॉगर ये बोल रही है नहीं, बिकॉज वो करते हैं ऐसे, और उससे उसका पेट नहीं खराब होता, उसके ऊपर उसको पानी ना पीने दें। बाकी ये कि अगर ड्राई फ्रूट्स खिलाएं तो वो फिर आपके ही हो जाते हैं, तो वो आपके लिए देखने वालों के लिए ये टिप याद रखें सब लोग। आज उन्होंने अच्छा सा टिप दिया, इतनी कारामद है ये हमें नहीं पता, गारंटी हम देख देते। लेकिन नहीं नहीं, मुझे उम्मीद है सबीन ने वो ड्राई फ्रूट खुद खाने, छिलके जो है उनको खिलाने। इतनी बुरी नहीं हूं मैं, तुम्हारे दिल में रहम खत्म हो चुका है, तुमने क्या बस कोई भी ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि अब जो कुर्बानी का जज्बा है वो exactly. उस, वो समझ आ गई है, उसको समझ आ गई है, तभी तो कह रही है छिलके उनको खिलाएगी खुद का। महंगाई के दौर में तो कभी भी नहीं खिलाएगी। मैंने देखा है आम के छिलके और इस तरह के छिलके छिलके उनके सामने डले हुए होते हैं, वो बेचारी गाय जो होती है वो खा रही है। मैं कहती हूँ आम भी खिला दें, दो तीन फांके आएंगे, मेरे दिल में तो ऐसा आता है और मैं जरूर वो करती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सभी से स्टार्ट करते हैं चीज, ये जो ईद का जब कोई त्यौहार आता है तो इस पर जो फैशन ट्रेंड्स है ना वो एकदम से निकल के आते हैं, और ना डेज के हिसाब से, जैसे रमजान होते हैं तो पहले इशरे में एक खास एडिशन निकल के आता है एक्स वाई जी डिजाइनर का, उसके बाद वेरी नेक्स्ट इशरे में, फिर थर्ड इशरे में, ईद तक भी आते आते दो दिन पहले तक भी एक नई कलेक्शन आ जाती है, और लाइकवाइज बकरीद पे भी ऐसे होता है। तो आप भी उसी से ताल्लुक रखती हैं, लाइक वो होता है ना जो कि सारी कलेक्शन का एक एक पीस हम खरीद लें, चार पांच ड्रेसेस हो जाएं हमारे ईद पर, या सिर्फ लास्ट डे जाके ही खरीदारी करनी है, या पहले से बस सारी खरीदारी करके रख दिए, भले से जितने कलेक्शंस डिजाइनर्स को निकालने वो निकालते रहे। अच्छा सोनिया, मुझे पता है कि ईद पे सिर्फ आप कंफर्टेबल रहें, बिकॉज अभी ईद जो है वो अब इस वक्त भी गर्मी अच्छी खासी हो रही होती है, सो मुझे पता है कि आप कंफर्टेबल ड्रेसेस में हो, चाहे आप लॉन पहन रहे हो या कोई और ड्रेस, तो आप कंफर्टेबल हो। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भरे भरे, अभी मैंने पहना हुआ है लेकिन मैं सिर्फ शो के लिए पहना हुआ, लेकिन वैसे भी घर में अगर आप होते हैं तो मुझे होता है कंफर्टेबल ड्रेस। अच्छा मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं एंड टाइम, तो मैंने बताया ना मैं वो वाला, वो जो इन्होंने कहा जी, सुनाया ना, कहा कि वो एक बच्चा होता है घर में, सो वो एंड टाइम तक मेरे पीछे पड़े रहे। अच्छा तुमने कपड़े नहीं लेने, क्या होगा, पहले मैं सोच रही थी अच्छा कपड़े लूँ ना लूँ, बिकॉज हमारे
ये होता है कि डेली कपड़े वैसे ही इतने ज्यादा बन रहे होते हैं शूज के लिए भी और सब, तो मुझे थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा कम हो जाते हैं ना डेली आपको वही ड्रेसेस आप पहन रहे, तैयारी चल रही है। एग्जैक्टली, और देखने वालों को लग रहा होगा कि क्योंकि हम बड़े तैयार हो कि रोज बैठ रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, सो उन्हें, लेकिन ये जो मजा है ना नए कपड़े लेने का और ईद वाले दिन तैयार होने का, ये शायद ये इंजॉय बाकी लोग कर रहे होते हैं। सो वो वाला मुझे लगता है कि एक चीज जो है जिसकी कमी रह गई है वो ये आप यूज टू हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं ले लेती हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ 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 अब मैंने कपड़े ले लिए होंगे अगले दिन मतलब आराम से, तो मुझे होता है कंफर्टेबल ड्रेस हो। लेकिन डेफिनेटली ट्रेंड्स को फॉलो करने का मेरा अपना बहुत दिल करता है कि लॉन्ग शर्ट्स है तो मुझे पता है लॉन्ग शर्ट्स पहनूँ, साथ साथ शॉर्ट शर्ट्स का फैशन है तो शॉर्ट शर्ट, लेकिन हाँ ये बड़ी एक टेंशन होती है कि पहले आश्रय में जो है वो चेंज ऑफ डिजाइनर्स ना डिफरेंट डिफरेंट निकालते हैं ताकि फिर यू नो पब्लिक को इंगेज करने के लिए, उनको तो अपनी सेल्स रिक्वायर्ड है। सो अब लेकिन ख्वातीन भी माशाल्लाह इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल कहाँ चला गया, लेकिन शॉपिंग में मैंने कहीं कोई कमी नहीं देखी कि इतनी महंगाई के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह चले अच्छी बात है कि लोग माशाल्लाह अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो एक हम देख रहे होते सब माशाल्लाह डिजाइनर ड्रेसेस हर चीज अपने हिसाब से हो रही है। चलो कपड़े तो अपनी जगह ना, लेकिन फूड के बारे में अगर ये बात की जाए तो फूड तो बंदा चाहे रेगुलर हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, चाहे हमें खाना जरूर है। ऐसे आप बताएं मोन के क्या नई डिशेस आप बनाती हैं, या आप ऐसी कौन सी नई डिश है जो आप बताना चाहेंगी कि ये चीज इस तरह से बने तो शायद और मजा आ जाए। रेगुलर टिक्के जैसे हम लोग अपने ईद पे खाते हैं और जैसे अभी आप आपको खिलाएंगे भी थोड़ी देर में, तो आप बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जिसे आप कहें ये चीज़ ऐड कर दें तो चीज़ कुछ से कुछ ही बन जाएगी। एज इन मेरा मानना ये कि जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं ना या फेस्टिवल्स जो होते हैं उसमें हमें फ्यूजन ऐड नहीं करना चाहिए, उसका एक अपना एसेंस होता है। जैसे हमारे घर में पुलाव बहुत बनता है, मतलब फर्स्ट डे बनना है, कलेजी बनेगी, कढ़ाई बनेगी, रात को भाइयों ने बारबेक्यू करना है तो करना है, जो जितनी मर्जी लेट हो जाए, तो वो चीज़ें इस तरह की होती हैं कि मैं नहीं चाहती। जैसे अब ट्रेंड निकल आए कबाब हांडी कबाब कढ़ाई का और डिफरेंट ट्रेंड्स निकल आए, कोयला कबाब कोयला बिरयानी और मतलब आपने कोयला कढ़ाई बना ली या कुछ इस तरह कर दिया, या बेक भी चीज़ें चल रही हैं आजकल, वो हमारे पास आ गया, हमारा एयर फ्रायर आ गया तो उसके अंदर चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे होता है जो ये जो 3-4 दिन होते हैं ना ये बंदा सब भूल जाए, जो हमारा एक वो एसेंस है ना, मतलब आपने मक्खन डाल के ही कढ़ाई बनानी है तो वो ही मज़ा आएगा, और आपने नान ही मंगवाना है, आपने नहीं ब्रान आटे की रोटी खानी, खुदा का वास्ता है, तो मतलब मुझे वो होता ये है सुन कि लो मतलब सोनिया ये तुम्हारे लिए कहा इन्होंने। नहीं वैसे मैं भी ऐसे ही करती हूँ और मैं भी यही बात कहती हूँ लोगों को कि जो ईद के ये जो 3 दिन होते हैं, जो ईद के 2 ही तो दिन हैं हमारे, मतलब ईद उल फितर है और ये बकरा ईद होती है ना, बड़ी ईद होती है, बड़ी छोटी, तो हम इनके जो 3-3 दिन होते हैं ना ये आप उन लोगों को दें जो आपकी फैमिली है, आपके क्लोज वंस हैं, जिनको आप सारा साल टाइम नहीं दे सके हैं मसरूफियत के बायस, प्लस जो भी खाने के लिए आपके सामने परोसा जा रहा है भूल के खाइए, अनटिल और अनलेस जो डॉक्टर्स ने अगर आपको कोई खास चीज़ मना की है कि आपने ये नहीं खाना या यूँ नहीं करना, उसका आपने ध्यान रखना है, उसके अलावा फिर आप अपनी पसंद से सारा साल हम डाइट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मुझे होता है ये जो 2-3 दिन है लिमिट में खाएं, अपना पेट समझ के खाएं, आप भी खाएं, कहीं भागेगा नहीं, उसको पोर्शंस करके खा लें, लेकिन हर चीज को एंजॉय करें। वैसे बकरा ईद पे सबसे ज्यादा मसला यही होता है कि हॉस्पिटल्स भरे होते हैं इमरजेंसी, उसकी वजह ये होती है कि लोग अपना पेट समझ के एक्चुअली नहीं खा रहे होते हैं कि आपको और वो आपके साथ भी समझ के खा रहे होते हैं, इसके बाद भी मिलेगा ये कि शादियों का खाना जैसे होता है, एक तो ये कि खा रहे होते हैं वो बैक टू बैक चल रहा होता है ऐसा, और सुबह दोपहर शाम आपको गोश्त मिल रहा है, सुबह से लेके रात तक अभी मीठा खाया, अभी ये खाया ये खाया, रात तक 2-3 दिन जब कंटिन्यूसली आप वही स्पाइसेस और वही सब चीजें खा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली स्टमक या फिर वो चारकोल जो कोयला होता है उसका जो जरात होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, तो वो भी आपके पेट में जा रहे हैं, सब चीजें जा रही हैं, तो ऑब्वियसली लाइक कभी किसी से पूछो वो कहे ना हमारी तो ईद सोते हुए गुजरती है, मैं कहती हूं तुम लोग खाते इतना तो तुम लोगों ने सोना ही है ना, लाइक एक्टिव तुम लोग कैसे हो गए, मतलब आप लोग खाने उसके साथ लस्सी होती है तो फिर नींद आती है, लस्सी की जगह आप चाय पिया करें ना फिर नहीं आएंगी। अच्छा वैसे यहाँ पर सॉरी आप सबको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक टिप जरूर देना चाहूंगी, अंदर का फिटनेस एक्सपर्ट जाग गया है मेरा, तो मैं चाहूंगी जरूर एक टिप दूं कि प्लीज आप लोग जो भी खाएं आराम से खाएं, अपना पेट समझ के खाएं, लेकिन
साथ में ग्रीन टी जो है वो शामिल रखिए, और ग्रीन टी भी आपको ऐसे लेनी है कि आप जब खा लेते हैं तो ग्रीन टी खाने के फौरन बाद नहीं पी जाती है। प्लीज़ थोड़ा वक्फ़ा कीजिए, मिनिमम 40 मिनट्स का वक्फ़ा होना चाहिए। उसमें आप आधा लीमू निचोड़े, फिर वो इफ़ेक्टिव होगी, फिर वो डाइजेशन के लिए होगी आपकी प्रॉपरली। तो आप ईद के तीनों दिन जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल रखें, और ग्रीन टी के साथ पानी का भी इस्तेमाल बढ़ाइएगा, तो होपफुली आप हेल्दी रहेंगे, सेफ रहेंगे। और अभी आप लोग जूस भी ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो पी रही हूँ। हमारे तो इतना दूर पड़ा है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। बात नहीं, बाद में पीना, ब्रेक में पिला, हम आपको ब्रेक में पिला देंगे। कैसे मेजबान नहीं देखे, ऐसे नहीं हो सकता, पहले हमें पीने देना। हाँ सही है, चेक कर लो तुम, हमें कुछ नहीं हुआ, देखे हम सही है। फ्रेश किस्म का जूस था। अच्छा ये भी हम ही पी लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, हम ना थोड़ी सी बात करते हैं मूवीज की तरफ। ईद उल अज़हा पे काफ़ी सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, तो आप लोग क्या फैमिली के साथ जाके देखते हैं सिनेमा पे, या आप कहते हैं नहीं ईद का जो मौका है वो घर का ही गुजारा जाएगा फैमिली घर पे? ईद का जो मौका है वो घर पे ही, मुझे लगता है कि आपको आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। बाकी जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ज़रूरी नहीं होता कि उस वक्त जो मूवी चल रही है आपने वही जाके सिनेमा में देखनी है। और सब वो जो मूवी नाइट कजन्स के साथ होती है वो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वैसे टाइम मिलता ही नहीं है कि आप किसी से बातचीत कर सकें, तो ईद पे ही एक जज्बा होता है कि आप फैमिली को टाइम दे सकें। सो उसमें बड़ा मज़ा आता है कि आप सब कजन्स बैठे हुए हैं, पॉपकॉर्न से हैं, खाना पीना चल रहा है, और साथ में आप मूवी भी इंजॉय करें। सो आई थिंक, लेकिन डेफिनेटली हर किसी का ईद मनाने का एक अपना तरीका होता है। सो जो लोग सिनेमा जाते हैं अपनी, वो भी अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते होंगे। तो लेकिन पर्सनली मुझे होता है कि हाँ, एक अच्छी कम्फर्टेबल स्पेस पर आप बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए, और मुझे से आप और कभी भी आप मूवी छोड़ के जा भी सकते हैं। हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है, स्पेशली जो मूवी से रिलेटेड है, वो एकदम से ग्रो की है। हमारे जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो कितने ग्रूम्ड हुए हैं, वो कितने वेल पॉलिश्ड हैं माशाल्लाह से। आप देखिए उनका ओढ़ना पहनना, उनकी स्क्रीन ब्यूटी कितनी खूबसूरत है। स्क्रीन पर आते हैं तो चार चांद लगा देते हैं, तो बजाय हम दूसरों को प्रमोट करें जाके, हम क्यों ना अपने वतन की चीज़ें प्रमोट करें, अपने एक्टर एक्ट्रेसेस को प्रमोट करें। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पर होती है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंटरनेशनल जो स्टार्स हैं उनको अपना एम्बेसडर्स बनाया करते थे, बट अब रिसेंटली ये ट्रेंड भी चेंज हुआ है। हमारे जो लोकल स्टार्स हैं, मॉडल्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, उनको हायर किया जा रहा है। माशाल्लाह दे आर क्वाइट गुड लुकिंग, इतने टैलेंटेड हैं, इतने स्किलफुल हैं, तो मेरे ख्याल से हमें अपनी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। लाइकवाइज मैं आपसे ये चीज़ थोड़ा सा इस तरह से पूछना चाहूँगी, खानों में पाकिस्तानी फूड के अलावा जो ब्लॉगर्स होते हैं, आपको तो बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करना पड़ता है ना, चाइनीज़ भी तो, कॉन्टिनेंटल भी तो, ये तो वो, तो क्या आपकी ये कोशिश रही है कि मैं ज़्यादा जो प्रमोशंस हैं वो मैं पाकिस्तानी फूड की करूँ, ट्रेडिशनल जो हमारे पाकिस्तानी फूड, या आप सोचती नहीं मुझे इक्वली सबकी करनी चाहिए? नहीं, एज़ पर डिमांड होता है, लेकिन मुझे मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो देसी फूड की प्रमोशन होती है उस पर पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आता है, और जो हम कॉन्टिनेंटल या इस तरह का कोई चीज़ है चाइनीज़, पाकिस्तानी चाइनीज़ में उसको कहूँगी, उसको जब प्रमोट करते हैं तो उस पर बैकलैश भी आता है कि इससे अच्छा तो हम घर में इतना कुछ बना लें। तो इस तरह से, क्योंकि देसी फूड मुझे लगता है मार्केट में भी आपको इकोनॉमिकल पड़ता है, और जो दूसरे फूड होते हैं वो आपको एक पीस, दो पीस, तीन पीस। इमान, मैं आपकी बात मैं अग्री इसलिए करूँगी सोनिया, क्योंकि बाज़ूकात वो चीज़ मिलती नहीं है, बाहर नहीं मिलती जो आपने बताई होती है, फिर हम सोचने पड़ जाते हैं। हाँ। और फिर हम कोई और चीज़ डालते हैं तो टेस्ट वैसा नहीं आता। अच्छा, ये रिसेंटली हमारा डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा एकदम से जो है ना एक्सप्लोर किया है, लोगों ने भी किया है, तो उसमें ये कि मैं कहूँगी पाकिस्तानी माइंडसेट शायद इस तरह का है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ करके दिखा दें, और उसके बाद क्योंकि उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, और फिर जब कस्टमर आपके पास फ्लक्स आता है तो उसमें हम अपनी बचत कर लें। तो हम यही क्लाइंट्स को बताते हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, कि आप जो हैं जो चीज़ आपने अगर हमें चार आलू के पीसेस रख के देने हैं तो आपने क्लाइंट को भी चार ही रख के देने हैं, तो इसी तरह आप मार्केट में सस्टेन करेंगे। वरना बहुत सारे ब्रांड्स डेली खुलते हैं, डेली बंद होते हैं, उनका मसला ही यही होता है कि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, और बाकायदा लोगों का ये माइंडसेट है कि वो जाके पिक्चर्स वीडियोस दिखा रहे होते हैं इस तरह का बना के दें। और मैंने तो इस तरह का एजुकेट किया हुआ है अपने फॉलोअर्स को कि अगर ना दें तो आप वापस करा दें। और वैसे खानों के अलावा भी मेरे साथ पर्सनली भी ऐसे हुआ कि आप जब प्रमोशन कर रहे होते हैं तो आपने किसी भी ब्लॉगर को आपने भेज दिया, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनको आपने भेज दिया उनको, उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ को लेना शुरू करते हैं, तो उस टाइम आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही होती है, इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ, लेकिन उसके बाद एंड में ये हो रहा
होता है कि आपके पास जब वो चीज़ आती है तो वो इतनी बुरी होती है कि आप कहते हैं कि आपने क्या ले, और उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये भी लग रहा होता है कि जब आप थोड़ा बहुत बता रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत आ गई है, ये बुरी आ गई, तो उसके बाद कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं हो रहा होता। ये जो फीडबैक होता है ना, बहन बहन अपनी ब्लॉगिंग को यहीं रोको, हमारा ब्रेक का वक्त जो है वो हो गया है, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनको भी हमें खुश करना है ना। मेरे ख्याल से आप एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आके वापस बुराइयाँ करेंगे। अच्छा जी, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे और मैं इनको जूस सर्व करती हूँ कि ये जूस पी लें, क्योंकि ये बहुत टाइम से देख रही हैं। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं और लाइव HD की ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, और मेरे साथ सनाया मौजूद हैं, दो और हसीनाएं मौजूद हैं, और हम खूब गपशप कर रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन वो दिखाने वाली नहीं है, टच भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। फिल वक्त हम ज़रा जूसेस इन्जॉय कर रहे थे और बुराइयाँ कर रहे थे फुल टाइम, जो ख़वातीन का फेवरेट मशगला है, जो हम बता रहे थे कि जी ऐसे होता है तो वैसे होता है। सो ज़रा ऑन एयर पर आप बता सकती हैं बुराइयाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। बुरी बात ख़वातीन का नहीं होता है, और फिर किसका होता है, प्रोडक्टिव बातें कर रही होती हैं। ये तो फीडबैक है ना, ये तो ऑनेस्ट फीडबैक है जो आप दे रहे होते हैं, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम गीबत का नाम रख दिया, ऑनेस्ट फीडबैक। क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव जब आप किसी ब्रांड को कोई भी फीडबैक देते हैं तो हर ब्रांड को खुले दिल से उसको लेना चाहिए, ना कि वो मतलब रिलक्टेंट हो गए या स्टबर्न हो गए, खड़े हमारा प्रोडक्ट अच्छा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये फीडबैक मैंने सुने ऐसे ही होता है। और फिर वो ब्रांड चलती भी नहीं है, और फिर मैं डेज काउंट करती हूँ कितने दिन में बंद होगा, और वो होता भी है। और मुझे लगता है उनको तो रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये तो देखो जितना सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जितनी अच्छी आप कंटेंट या क्वालिटी को फरहम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको उतना ही अच्छा फीडबैक आएगा। तो अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो कोई खाना है, और XYZ चाहे वो इवन TV का कंटेंट ही क्यों ना हो, ऐसा ही है, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वो सेल, जितना अच्छा गोश होगा किसी के खाने के अलावा। देखो किसी के घर में अच्छा गोश दोगी तो तुम्हें उतना अच्छा फीडबैक मिलेगा। सही बात, इतना अच्छा। एक रान आ गई थी, बकरे की रान आई है मेरे घर, सोचो तुम कितना अच्छा फीडबैक, तुम सोचो ये तुम्हारा। ये जो औरत है ना, इस सॉरी लड़की, मैंने औरत के गलत, कोई बात नहीं, मैं अपने वापस लेती हूँ। इस लड़की को ख्वाब में भी गोश्त ही आते हैं, और हम मैंने मेकअप रूम में कहा कि इनकी काफ है, आप समझ गए ना मेरी बात। तो अब आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि वो इनकी काफ जो है वो क्यों है। तो ये हमारे यहाँ का काफ है, ये जो बच्चा होता है एक ना समझ बच्चा। लेकिन जो ये ईद पे हमारे आते हैं ना मौसमी कसाई, उनकी वजह से भी गोश्त की क्वालिटी खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इमान ने बहुत अच्छी बात की है। कभी ऐसा हुआ है? तुम तो खैर माशाल्लाह खुद फैमिली में हमारे यहाँ सारा बनता यार। एक दफा मेरी डैडी ने खुद की थी, तो वो तो 3 दिन तकरीबन बिस्तर पे लेटे रहे थे। वो कह रहे थे उसको उठाना बड़ा मुश्किल था, उसको लटकाना, हैंग करना होता है। लेकिन वो अकेले थे ना, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह सारे मेरे जितने भी कजन्स हैं, मामू, ये वो सब लोग आ जाते हैं, और वो फिर 2 से 3 दिन इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। फर्स्ट 2 डेज हमारे यहाँ कुर्बानी, और वो हम परसों से चीजें चली आ रही हैं। सो माशाल्लाह से हम खवातीन को भी पता है कि ये चीजें, वो थालियाँ ट्रेस जाती हैं, कितना कितना गोश्त आने का, पहले पुलाव का गोश्त आप दे दें, कलेजी पहले दे दें, तो वो सबसे पहले कलेजी। I love कलेजी, खाने की बात करती है, मेरा तुम्हारे दिल की बात कर देती है, तुम भड़क जाती हो, और फिर खाने मैं कोई और टॉपिक करती हूँ, खाना रान इधर से कुछ के अलावा निकलता ही नहीं है। बस क्या करूं यार, देखो सामने कसाई तो नहीं बनी है तुमको अभी तक, होटल या कोई चीज बन जाऊंगी, मौसमी बन जाऊंगी, बिल्कुल बन जाऊंगी। एक चीज मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूंगी कि माशाल्लाह से सनाया जो है वो बड़ी लाइवली और बबली है, बट मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग ये मेरे लिए न्यूज़ था कि सनाया ने अब तक जितने भी किरदार प्ले किए हैं, सनाया एक्ट्रेस है माशाल्लाह, जितना भी वो प्ले करती है वो सीरियस नौयत का किरदार प्ले करती है। मेरे लिए चीज़ बहुत सरप्राइजिंग है, और चैलेंजिंग भी होगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। अब तुम्हें कोई कह दे कि तुम बिल्कुल एक कॉमेडी कर दो,
तुम्हारे लिए कॉमेडी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए सीरियस कैरेक्टर करना इंतहाई मुश्किल होगा। मुझे मेरे लिए तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आई जब मैंने सुना कि सीरियस, मैंने कहा यार तुम वाकई तुम मेकअप के ऊपर भी आप लेक्चर दे रही थी सर, मैंने मतलब तुम मत बना बना के बोला करो, ये उस तरह से उर्दू बना के मतलब इसके ऊपर लाइवली और बबलीनेस, वो क्योंकि माशाल्लाह फेस भी इसका वैसे ही है ना, यू नो, तो वो उसकी चीज वही चीज पे सूट भी करती है इंसान को। अब जैसे वो एक माशाल्लाह से बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी, मतलब वो बात करे, अब बीइंग एन एंकर पर्सन एंड बीइंग एन होस्ट, यू नो, बीइंग ए होस्ट आपकी वो बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, सो वो इस तरह से, अब वो ब्लॉगर तो वो अपने तरह से वो कर रही है, सो मुझे लगता है कि जो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने चीज़ वो करते हैं, लेकिन एंड ऑब्वियसली जब आप कोई अदाकार हैं तो अदाकारी का तो फनी ये है ना, बिल्कुल, कि कभी आप मजाया किरदार प्ले करेंगे, कभी आप सीरियस, कभी आप सीरियल किलर का, तो कभी आप कुछ होंगे, इसीलिए तो इसको एक्टिंग कहते हैं ना, कि आप जो है वो नहीं है, आप सिर्फ वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सो आप माशाल्लाह से जो भी कर रही होती हैं आप बहुत अच्छा भी कर रही हैं। थैंक यू। मुझे बताएं कि अगर आपको कोई ऑफर किया जाए और आपसे कहा जाए कि ये पूरा प्ले है, इसमें हीरो है, हीरोइन है, उसकी फूफी है, उसकी सास है, तो ये तो एक्ट, उसकी सहेली का भी किरदार है, आप खुद चूज करें, तो आप क्या किरदार चूज करना चाहेंगे? मैं सहेली का किरदार अदा कर सकूं, कि अभी लोगों को देख के लग रहा होगा अच्छा बहुत शायद कम बोल, जो मुझे मेरे मेरी ऑडियंस से जो देखती है वो तो ऑब्वियसली एक होस्ट करते हुए एक बिल्कुल आप डिफरेंट आप उसमें होते हैं, क्या उसमें किसमें एक डिफरेंट ऑरा होता है बेसिकली, ब्लॉगर साहिबा ने मुझे करेक्ट कर दिया, एक डिफरेंट ऑरा होता है आप उसके अंदर होते, तो वो दे नो कि मैं कितनी मतलब हंस हंस के और बस उठ बैठ के, मतलब मैं एक जगह बैठ के बहुत देर तक बात नहीं कर पा रही होती। सो मुझे लगता है कि अगर जो आपने करेक्टर सनाया को दिया कि बबली सा, शरारती सा, हंसने वाला कोई करेक्टर दे, तो मैं करूँ। अच्छा वैसे मैं ये भी रिवील कर दूँ कि मैं अभी एक ऐसा करेक्टर कर भी रही हूँ, मैं भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले सकती, बट अभी बहुत जल्द वो आ जाएगा स्क्रीन पर, वहाँ पर मेरा यही करेक्टर है, बहुत बबली सा करेक्टर है, हंसने खेलने वाला, शरारतों वाला। सो वो मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर एक्टिंग, क्योंकि मैं कोई अच्छी एक्टर नहीं हूँ ये भी मैं बताती चलूँ, लेकिन वो ये कि वो जो मैं हूँ उसमें मैं वही हूँ, तो मुझे एक्टिंग करनी नहीं पड़ी। अच्छा। शायद मुझे उससे कोई डिफरेंट किरदार दे दिया जाता कि आपने इस पे एक्ट करना है, तो वो मेरे चैलेंजिंग हो जाता ना, तो मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता, तो मैं जो हूँ मैंने वही बस, तो आपने वही प्ले किया, वही विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके प्रोजेक्ट के लिए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुश हुई, और जब भी आए तो हमें जरूर बताइएगा, हम अपने सोशल मीडिया पे प्रमोशंस करेंगे आपके लिए। आप अगर ना की ना नहीं भाई, अब तो इज्जत का सवाल है, हमने कैमरा के सामने कह दिया, ये आपने नेशनल टीवी पे बोल दिया, नीचे छोटा सा लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, राइट राइट। वैसे अगर यही सवाल मैं आपको दूं कि आपके पास एक ऐसी स्टोरी आए, कहानी आए, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देती हूँ, कि आपके मैंने कहानियाँ रखी हैं कि ये थ्रिलर है, मिस्ट्री है, ये हॉरर है, हॉरर जॉनर है, ये कॉमेडी है, सीरियस रोल, इसमें से आप कौन सी मूवी या कौन सा ड्रामा चूज करना चाहेंगी, horror. तो आप क्या करेंगी? हॉरर, हॉरर, और क्या बनेगी उस हॉरर मूवी में, आप क्या अपने आप को रोल देना चाहेंगे? जो भी मेन डरा रहा होगा वो, बिकॉज मुझे लगता है कि वो एक हॉरर जॉनर, उसमें मज़ा भी आता है, और आप खुद भी एक मिस्ट्री में रह रहे होते हो, फिर जब आप किसी को बताते हो ना कि ऐसी टेलीफिल्म या ऐसा फिल्म या कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो लोगों को भी होता है अच्छा आप देखते हैं, मरेगा नहीं मरेगा, मर के जिंदा होगा नहीं होगा, तो वो चीज़ लाइक बाकी कॉमेडी वगैरह वो मुझे इतनी अट्रैक्ट चीज़ नहीं करती है, मैं खुद भी सीरियस ड्रामाज हो जाएँ या मूवीज़ हो जाएँ तो मैं उस तरह का बन रहा हूँ कि मैं सीरियस देखती हूँ या बहुत इमोशनल वाला देखती हूँ। ये मसालों की कैफियतें तो नहीं है, नहीं नहीं, मसाला सूंघने की वजह से छींके आती हैं, हाँ, और नमक, ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, सौंफ ज्यादा खाया करो, क्यों उससे क्यों मीठी सौंफ उससे तो पेट साफ हो जाएगा। हॉरर वाली तुम कभी भी कैरेक्टर्स के लिए डिमांड नहीं करती, भी हॉरर हूं ना तो शायद इसलिए मुझे वो अट्रैक्ट भी करती है, मैं सीरीज सीजन भी जा रहे हैं और जो भी चीज देखती हूं वो मुझे वो चीज जरा अट्रैक्ट करती है, तो फिर वो चीज। वैसे हमारे अपने और लाइफ HD पे हॉरर सीरीज भी आ रही हैं, कॉमेडी शोज भी आ रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह वी आर गेटिंग वेरी मच पॉजिटिव फीडबैक्स, लोगों का, लोग पसंद कर रहे हैं ऑर्डर डिसऑर्डर, इस तरह के वो चले हमारा, और चाय और गपशप बड़ा जबरदस्त है, वो जरूर देखिएगा आप लोग, चाय गपशप में मैं भी आऊंगी फिर जी, ये भी आएंगी, तो इसलिए हमारे इंस्टाग्राम पे आप सबने प्रमोशंस करनी है, सबने आपको हम जरूर बुलाएंगे, बिल्कुल इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जो है ना होना चाहिए, और हम ऑनेस्टली स्पीकिंग
मैं तो हर उन खातून को दावत देना चाहूँगी जो हमें इस वक्त भी देख रही हैं कि चाय और गपशप की अगर आप हमारी उस हॉट सीट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए, हम बुलाते हैं लोगों को, हम ऐसी खवातीन को बुलाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इंटरेक्शन होता है आप नई खवातीन से, आपको स्टोरीज शेयर करने को मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है। अब जैसे इन्होंने चार बातें बताई, कुछ नहीं कुछ तुमसे सीखी मैंने, रानों की गोश्तों की बात आपसे सीखी, सो यू नो एक अच्छा इंटरेक्शन होता है, एक अच्छी डिस्कशन होती है, चाय का कप आपने थामा हुआ होता है। ईद का मौका है तो अब तो एक डिफरेंट चीज चल रही है, अदरवाइज भी शो में हम इसी तरह से डिस्कशन रखते हैं। चाय का कप पकड़ा के सोनिया सारी बातें बुलवा देती हैं, देखिए ना बात एक ऐसा आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें उसके बाद सारे बोलते जाएं। मुझे लगता है ये चीज बहुत मोटिवेट भी करती है जो घर बैठी खवातीन होती है उनको, कि मतलब आप बेसिक लेवल से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने बहुत ऊंचे लेवल पे जाना है या कहीं पे आपकी बहुत ही जगह हायरिंग होगी तो आप कुछ करेंगे, आप बिल्कुल स्क्रैच से भी अपने आप को लेके चल सकते हैं। और देखिए आप लोगों को बुलाने का, अब देखिए वो तो माशाल्लाह होस्ट है ना, एक्ट्रेस भी है, वो बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी वेलकम करते हैं, ब्लॉगर्स को भी वेलकम करते हैं कि वो भी आए, उनका कॉन्टेंट अच्छा है तो वो आके दिखाएं और आप लोगों से लोग सीखें जो कंटेंट बनाना नहीं जानते हैं, जिनका कंटेंट नहीं अच्छा है, नहीं बन पा रहे, आइडियाज़ नहीं आ रहे, एटलीस्ट वो आपसे ये ना डिस्कशन सुन के ही बंदा बहुत सारे आइडियाज़ ले लेता है। अभी ईद का मौका है, हमने कितनी सारी डिस्कशंस किए, बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ आए, अरे पुलाव बना लेते हैं, अरे उन्होंने कोयला कढ़ाई के बारे में बात की तो चलो वो ट्राई करते हैं, तो आप आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ़ लाने का, हमारी तरफ से, हमारी टीम की जानिब से आप सभी लोगों को जो हमारे इस वक्त बैठे हुए भी हैं सबको ईद मुबारक हो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोग एक छोटा छोटा कोई मैसेज अगर व्यूअर्स तक अपना कन्वे करना चाहें तो साथ साथ। बिल्कुल ज़रूर, इस वक्त जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हमने हमेशा कुर्बानी के जज्बे की बात की है, ईद के जज्बे की हम बात करते हैं, चाहे वो छोटी ईद है चाहे बड़ी ईद है, खुशियाँ हैं इस टाइम पर, उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जो कि अपना ख्याल खुद नहीं रख पा रहे, सो अपने इर्द गिर्द देखें, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप किस तरह से इर्द गिर्द के लोगों को अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं, और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि कोई भी इन खुशियों से महरूम ना रहे। गोश्त को फ्रिज में बहुत टाइम तक, बहुत अरसे तक भर के फ्रीज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उन लोगों को दें जिनको ये मुयस्सर नहीं होता और जो इसके असल हकदार हैं। सो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो यही है मिल बैठने का जज्बा, यही है, इसे हम कहते हैं अख़ुवत और इसे हम कहते हैं प्यार। सो मेरी तरफ से यही एक मैसेज सबको दूंगी। मुझे लगा अपना मॉर्निंग शो शुरू करते हैं। बैठे हुए करने अच्छा सवाल आएगा फिर बहुत अच्छा शुक्रिया। आप कुछ मैसेज देंगी प्लीज? नहीं, मैं इसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगी कि लाइक बहुत महंगाई है पहली तो बात है, सेकंड चीज़ है कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं आपकी जिम्मेदारी है कि वो भूखे ना सोएं, तो जो भी ऐसा बंदा आपको नज़र आता है सफ़ेद पोश है, वो मुँह से नहीं भी कह रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी एज अ गिफ्ट, एज अ गेस्चर आप उसके पास जाएँ, उसको वो चीज़ एज अ गिफ्ट दें, उसको जताएँ नहीं। और जो गोश्त को फ्रिज में रखने वाली बात है उसको मैं 100 टाइम्स दोबारा मल्टीप्लाई करके बोलूँगी, मत रखें, लोग फ्रीजर्स खरीद के ले आते हैं घर में, कि मतलब ईद से पहले हम छोटा फ्रीजर ले आते हैं, सही, उसके अंदर चीज़ें जाएंगी, तो इस तरह का मत हरकतें करें। और बाकी सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। इमान मैंने कुछ नहीं बोला, अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए अपने घर का थोड़ा सा गोश्त पका के। आप भी छोटा सा एक मैसेज कन्वे कर दें अपनी तरफ से। मैं अपने चाहने वालों, अच्छा जी, मैं अपने चाहने वालों को यही कहूँगी कि ये ईद है और सब आपस में एक दूसरे से मोहब्बतें करें, आपस में जो नाराज़गियाँ हैं वो ख़त्म करें और आपस में एक दूसरे के करीब आएं और गोश्त खाएं और एंजॉय करें। बहुत अच्छा मैसेज आप तीनों ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छे मैसेजेस कन्वे किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। सो व्यूअर्स, मुझे और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सभी देखने वालों को एक मरतबा फिर ईद मुबारक, हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन ये जो ईद स्पेशल ट्रांसमिशन है ये चलती रहेगी, हमारे बाद आप देखेंगे कुछ नए मेज़बान, कुछ नए मेहमानों को, सो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।